ऑल राइट ट्रेडर्स सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन जो लोग पहली बार इस सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं या पहली बार देख रहे हैं सो so, मैं आपको एक ओवरव्यू बता देता हूँ व्हाट वी डू एंड देन विल टेक इट फर्दर सो ये जो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी गोल्ड सिल्वर एंड ऑयल को हम लोग ऑफिशियली हर हफ्ते ट्रैक करते हैं आप यहाँ पर आकर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एंड अदर स्क्रिप्ट का एनालिसिस देख सकते हो देख सकते हो कि बेस्ड ऑन द करंट मार्केट स्ट्रक्चर किस तरह की मूवमेंट एंड प्रोसाइस इन्फॉर्मेशन इन कमिंग डेज इन वीक में मार्केट यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकता है राइट सो right? so, वो हम यहाँ पे करने वाले हैं एक बार ये कंप्लीट हो जाए फिर आपके क्वेश्चन एंड क्वेरीज को आप पूछ सकते हो आई विल बी आंसरिंग दैट एंड आई विल बी लुकिंग एट योर चार्ट राइट सो विद दैट सेट डन गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मार्केट स्टार्टिंग विद द निफ्टी सो निफ्टी में क्या हुआ इट्स एज यूजल खड़ा हुआ है ऑल टाइम हाई पर राइट सीन सिनारी देखो किस तरह से ये जो वेव आप यहाँ पर देख रहे हो लास्ट वाली सो ये अभी के लिए इस मुकाम पर खड़ी है जिस हिसाब से यहाँ पर सीन बनते हैं बैंक निफ्टी का याद करो जिन लोगों ने लास्ट टाइम का एनालिसिस देखा है सो ये सेम केस रहेगा यहाँ पर ये जो वेव है अगर मंडे को आपका ये जो हाईस है क्योंकि यहाँ पर जब आप आवरली इस चार्ट को देखते हो ये यहाँ पर देखो आवरली देर इज अ सेल सेटअप देअ राइट और ये जो वेव है ये ऊपर की तरफ जा रही है। बाय ऑल मीन्स और थोड़ा सा यहां पर पीछे नजर मारोगे ना तो देखो यहां पर ये यह जो मार्केट है इज फेजिंग रेजिस्टेंस समवेयर हियर राइट सो काफी दिन हो चुके हैं यहां पर so, जून के स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर अब तक ये मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ही रिस्पेक्ट कर रहा है विच मींस जो मोमेंटम है अपसाइड के लिए वो भी इतना स्ट्रांग इनफ नहीं है कि वो एक्चुअली अभी का जो करंट स्ट्रक्चर है मार्केट का वो ब्रेक करें ना वट डज इट मीन इट मीन्स कि अगर मार्केट क्योंकि यहां पे काफी दिन हो गए हैं तो मंडे को देख लो और कमिंग वीक में देख लो अगर ये हाई ना दे आपको विच इज फिफ्टीन थाउजेंड एट फिफ्टी या जो भी आपका रिसेंट का है आई थिंक फिफ्टीन थाउजेंड एट थर्टी फाइव यहां पर देख रहा हूँ मैं अरेट सो फिफ्टीन थाउजेंड एट थर्टी फाइव मंडे ट्यूजडे दैट्स इट सो मंडे ट्यूजडे अगर मार्केट आपका ये हाई को ब्रीच नहीं करता ना तो आई कैन सी दिस मार्केट टैगिंग और गिविंग अस अ करेक्टिव स्ट्रक्चर फॉर दिस एंटायर इम्पल्स और सो ये केस कैसे बता रहा हूँ मैं देखो जरा डेली चार्ट जो है ना इस मार्केट का निफ्टी का एंडाइसिस का ये सीन सिनारी के हिसाब से इसके जो लेवल्स आते हैं मतलब ये जो वेव आप देख रहे हो ना ये इजीली मुझे जाती हुई दिख रही है 16,200 के आसपास ये यहाँ से रीडिंग निकल कर आ रही है और ये वेव इस तरह से कंटिन्यू कर सकती है पर ये नेक्स्ट वीक में आएगा कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में आएगा वो तो उसके लिए कंडीशंस हम लोग यहां पे बना रहे हैं सो so जो सेल सेटअप से या जो सेल ऑफ देख रहे हैं मार्केट में मेजर अभी के लिए तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये जो मार्केट है अभी यहां से ट्रेवल करेगा यहाँ के लिए द ओनली क्वेश्चन करेगा कैसे तो जो मार्केट है फिफ्टीन अगर ये ब्रीच करता है इन कमिंग वीक तो विदिन फिफ्टीन डेज़ ये मार्केट बुल रैली कंटिन्यू करता हुआ ऊपर निकल जाएगा पर अगर नेक्स्ट वीक में ज़रा ध्यान रखना इस लेवल पर जो कि आज का लाइक like, लास्ट इस वीक का हाई है आई थिंक सो एट ये लेवल अगर इसके लाइक uh, like, अगर इसको ब्रेक नहीं कर रहा है मार्केट तो फिर मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा सिमिलर टू विल बी दिस वे और देखो टाइमिंग वन टू थ्री पॉसिबल यहाँ पे फोर एंड देन द फिफ्थ ये जो फोर्थ करेक्शन की जो पॉसिबिलिटी है ये तभी एग्जिस्ट और प्ले आउट करेगी अगर कमिंग वीक में ये जो लेवल मैंने आपको बताया है वो रेजिस्ट करें फॉर एनी रीज़न मार्केट अगर आपको इसके ऊपर ट्रेड करता हुआ मिले इसको ईजिली आप टेक ऑफ करोगे सिक्सटीन थाउजेंड टू हंड्रेड के लिए

सो निफ्टी ऑल टाइम हाई हर दिन मार्केट खुलेगा मार्केट में रेड डे ग्रीन डे आएगा नेक्स्ट डे एक न्यू हाई आपको मिलेगा राइट right? यही हो रहा है पिछले पूरे हफ्ते से जस्ट अ सेकेंड हाँ पर लुक एट द बैंक निफ्टी एंड मैं पर्सनली खुद बैंक निफ्टी में है ना ज़्यादा क्वान्टिटीज़ एंड ज़्यादा ट्रेड सेटअप बैंक निफ्टी में देख रहा हूँ क्योंकि ये जो सीन सिनारी हैं ये जो पीस यहाँ पर देख रहा हूँ ये मैं इसे करेक्टिव फेस कर रहा हूँ मैं करेक्टिव यहाँ से रीडिंग मुझे निकल कर आ रही है तो जो सीन सिनारी बनते हैं वो यहाँ के बनते हैं दिस इज़ वॉट आई एम एंटिसिपेटिंग और इसमें जो मूव है वो मैं कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ पर लास्ट वीक याद करो मैंने जो आज आपको निफ्टी में लेवल दिए हैं वही मैंने बैंक निफ्टी में दिए थे और पूरा वीक निकल गया हम लोग वेट करते रहे कि अब मार्केट एक्चुअली लुकिंग फॉर दी अपसाइड अब मार्केट ट्रैवल uh, करेगा पर ये जो सीन सिनारी यहाँ पे बने हैं और देखो यहाँ पर इस मार्केट ने जो लास्ट वीक हमने डिस्कस किए थे वो लेवल भी ब्रेकआउट नहीं किए नाउ वट डज इट मीन इट मीन्स टू थिंग्स टू थिंग्स से मेरा मतलब ऐसा और ऐसा नहीं टू <laughs> थिंग्स से मेरा मतलब है कि ये जो स्ट्रक्चर है इसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ है सो so इसका जो पॉसिबिलिटीज़ है वो ये है कि ये जो स्ट्रक्चर है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सस्टेन हो चुका है तो इसके इंटरनल्स पे नजर मारो वन टू थ्री पॉसिबल ये फोर तो ये जो पीस है आपको ये रीड करना पड़ेगा दिस इज़ अ प्राइम स्ट्रक्चर वी नो सो फार सो इसकी रीडिंग जो है हम प्राइम से ले रहे हैं और प्राइम स्ट्रक्चर के बेस पर ये जो लेवल है यहाँ पर देखो जरा वो वन आवर पर आकर देखो जब आप इस लोअर डिग्री में देखोगे मैं बहुत उम्मीद कर रहा हूँ इस बॉटम से आई एम टेलिंग यू आम एंटिसिपेटिंग डब्ल्यू एक्स वाई डब्ल्यू एक्स वाई इफ आई गेट दिस थिंग दिस इज वॉट आम लुकिंग फॉर और इसमें में पुराने जो एड ऑन्स हैं हमारे जो लाइक जिन ट्रेडर्स ने पुरानी पोजिशन रखी उनको भी मैंने बता दिया कि जितना हो सके यहाँ पर एड ऑन कर लेना क्योंकि इसके बाद फिर मौका नहीं मिलने वाला है तो आई एम रियली एंटिसिपेटिंग की एनी लाइक ए बी सी और डब्ल्यू एक्स वाई करेक्टिव स्ट्रक्चर इफ आई कैन गेट इट समवेयर हियर गोइंग विद अज क्वांटिटी एंड कंप्लीट ऑल इन इन बैंक निफ्टी सो दैट इज़ वॉट आई एम पेइंग अटेंशन क्योंकि वंस इट ब्रीच दिस क्योंकि एक कंडीशन तो उसने ऑलरेडी पूरी कर दी है द ओनली जो uh, सस्टेनेबिलिटी मार्केट ने दिखाई है वो ये कि ये जो लेवल था जो रेजिस्टेंस वो ले रहा था पिछले वीक उसको रेजिस्ट करते हुए जो रेजिस्टेंस के बाद जो डाटा उसने दिया है वो करेक्टिव दिया है वो थैंकफुली इम्पलसिवली नहीं दिया है राइट सो व्हाट डज इट मीन इट जस्ट मीन कि मार्केट इज़ होल्डिंग एंड फॉर सम रीज़न जो अपना लाइक मार्केट है बैंकिंग सेक्टर एंड फिनंस सेक्टर इज एक्चुअली स्ट्रगलिंग सो पे रियली क्लोज अटेंशन कि ये जो करेक्टिव स्ट्रक्चर है ना यहाँ पर इफ़ वी कैन गेट दिस मार्केट डूइंग दिस एंड ये जो पीस है ये लास्ट पीस रहेगा हम टहलेंगू अगर ये पीस यहाँ से नहीं निकलता है तो फिर जो नेक्स्ट केस मेरे पास बनेगा फिर यहाँ पर पीछे आओ और यह टॉप देखो यहाँ पर करेक्टिव फेज मिलने के बाद ब्रेकआउट हमें मिलना चाहिए बाई इनकमिंग वीक मोस्टली टेन डेज के अंदर दैट्स एट पर अगर वो अगर यहाँ पर किसी भी रीजन से नहीं आता ना तो ये जो टॉप है यहाँ पर मेरी रीडिंग फिर यहाँ से आना स्टार्ट हो जाएगी फिर इंटरमीडिएट टू मिड टर्म टॉप आपके सामने यहाँ पे इस्टेब्लिश हो सकता है सो पे रियली क्लोज अटेंशन आम नॉट सेंग कि ये करेक्टिव स्ट्रक्चर कुछ ऐसा करने वाला है ना अभी चार्ट पे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है और ना ही आपको अभी ये सब देखना चाहिए मार्केट में ऑल राइट बट आई एम रियली टेलिंग यू कि ये जो प्राइम स्ट्रक्चर है दैट इज अ की स्ट्रक्चर इन द मार्केट सो इफ मार्केट इज नॉट होल्डिंग दैट इज़ नॉट रिस्पेक्टिंग इट तो मार्केट में जो फिर जो डाउट है जो बैंकिंग सेक्टर का जो क्रॉल है वो इस इम्पल से फिर रीड होना स्टार्ट हो जाएगा दैट मीन्स कि फिर ये जो पूरी वेव है ये एक्चुअली हम लोग इसको करेक्टिव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देंगे नाउ दैट मीन्स यू विल बी स्टेइंगेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम राइट सो दैट इज द रीजन कि अगर इसको अटेम्प्ट करना है हमने तो यहीं पर करना है सो इट्स इट विल भी द सेम केस सो अभी बैंकिंग सेक्टर में करंट स्ट्रक्चर करंट पैटर्न के हिसाब से तो इतना कुछ ड्रास्टिकली तो चेंज नहीं हुआ है द ओनली थिंग जो होप उसने लास्ट वीक हमें दिखाई थी उस तरह से उसने मेनटेनिंग किया और स्टिल इज रिस्पेक्टिंग दिस रेजिस्टेंस बट दिस बॉटम आई एम रियली पेइंग अटेंशन टू इट इट्स एक्चुअली अराउंड द बॉटम एंड वीअल लुकिंग फॉर दी नेक्स्ट वेव अप जो भी वेव यहाँ पर राइड करो स्पेशली वन आवर टू डेली वील टेक इट टू दिस लेवल ऑराइट सो यहाँ पर हम लोग इसको लेकर जा रहे हैं सो लेट सी इफ यू कैन गेट इट इट्स रियली नाइस वेव फॉर दी अपसाइड वी कैन कैप्चर इट स्पेली विद अ कंप्लीट मार्जिन एंड ह्यूज क्वांटिटी कीपिंग द रिस्क इन टेक्ट दैट विल बी रिमार्केबल राइट सो दैट्स अ बैंक निफ्टी एन द निफ्टी वेन इट कम्स टू द गोल्ड